आपकी होस्ट रुकाशा गुल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शहरनामा। नाज़रीन, कुछ शहर इनाम याफ्ता होते हैं क्योंकि वहाँ पर वो हस्तियाँ जन्म लेती हैं जो तारीख का रुख ही मोड़ कर रख देती हैं। और आज जिस शहर की सैर करवाने आपको लिए जा रही हूँ वो तारीखी, मुआशी, सियासी, अस्करी और सकाफती एतबार से एक अलग ही मकाम रखता है। इस शहर में कहीं तो आपको जवानों की बहादुरी के किस्से सुनने को मिलते हैं, तो कहीं इश्क का चनाब मोहब्बत की लाजवाब दास्तान बयान करता है। इस शहर में मुल्की मईशत को संभाला देती कई सन्नतें फाल हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ऐवान इक्तदार में ये अपना कलीदी किरदार रखता है। तो आइए अपने सफर का आगाज करते हैं, तो चलते हैं वो सटायल सिटी ऑफ पंजाब यानी गुजरात। पहुंच चुकी हूं और मेरे साथ साथ आप लोग भी। ये गुजरात का खूबसूरत तारीखी ब्रिज जो कि दरियाए चनाब पर वाके है देख सकते हैं। इस खूबसूरत तारीखी ब्रिज को अलेक्जेंड्रा ब्रिज कहा जाता है। सूबा पंजाब का हर खिताब अपने अंदर सदियों का इतिहास समोए हुए है। एक ब्रिटिश हिस्टोरियन जिनका नाम जनरल कनिंघम था, उनके मुताबिक गुजरात का ये जरखेज इलाका 460 कब्ल मसीह राजा बच्चन पाल ने आबाद किया था। फिर 120वीं सदी ईस्वी में सियालकोट की एक रानी गुजरा ने इसे फतह किया और उसने इसका नाम गुजर नगरी रख दिया। बस फिर ये वक्त के साथ तब्दील होता हुआ गुजरात में तब्दील हो गया। जिला गुजरात पहले 3 तहसीलों पर मुश्तमिल था जिनमें तहसील गुजरात, खारिया और सराय आलमगीर शामिल थी, लेकिन हाल ही में जिला में 2 मजीद तहसीलें शामिल की गई हैं जिनमें जलालपुर जट्टा और कुंजा शामिल हैं। 2017 की मर्दमशुमारी के मुताबिक तहसील सराय आलमगीर 2,47,333 आबादी के साथ जिला की सबसे बड़ी तहसील है, जबकि तहसील खारिया को जिला की अमीर तरीन तहसील होने का एजाज हासिल है। यहाँ की अक्सरियत बैरून मुल्क रिहायश पजीर है जो करोड़ों डॉलर पाकिस्तान भेजते हैं। जिला का कुल रकबा 3,192 मुरब्बा किलोमीटर है, जिसमें से 5,72,911 एकड़ अराजी काबिले काश्त है, जबकि 2,91,314 एकड़ रकबा नाकाबिले काश्त है। इस सरजमीन पर चावल, गंदम और गन्ने की काश्त सोने की हैसियत रखती है। जिला में 3,78,503 एकड़ रकबा नहरी पानी से सैराब होता है, जबकि 1,94,408 एकड़ अराजी का इन्हसार बारिशों के पानी पर है। जिला गुजरात की कुल आबादी 27,56,110 नफूस पर मुश्तमिल है, जिसमें 8,27,396 शहरी आबादी जबकि 19,28,714 आबादी का ताल्लुक देहात से है। जिला में मर्दों की तादाद 13,35,339, ख़वातीन की तादाद 14,20,628 जबकि 143 ख्वाजा सरा शामिल हैं। ज़िला गुजरात में गुज्जर, जट, अराई, मेहर, चौधरी और वड़ाइच कबायल आबाद हैं। ज़िला में पंजाबी ज़ुबान प्रधान है। यहाँ मुख्तलिफ इलाकों के हिसाब से पंजाबी के कई लहजे बोले जाते हैं जिनमें माझी और शाहपुरी वगैरह शामिल हैं। गुजरात की धरती से ऐसी शख्सियात वाबस्ता हैं जो मुल्की तामीर और तरक्की के लिए ना सिर्फ कोशां रहीं बल्कि कुछ ने इस वतन की आज़ाद फ़जा के लिए अपनी जान के नजराने तक पेश किए। उन बहादुरों में मेजर अजीज़ भट्टी शहीद, मेजर शब्बीर शरीफ शहीद, मेजर मोहम्मद अकरम शहीद शामिल हैं। इनके अलावा साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ, तमगा इम्तियाज़ और तमगा हुस्ने कारकर्दगी पाने वाले पंजाबी शायर शरीफ कुंजाही, जिन्होंने कुरान पाक का पंजाबी में तर्जुमा किया। उनके अलावा पंजाबी शायर अनवर मसूद, अदीब अहमद राही, शायर व अदीब कश्मीरी लाल जाकिर, मसूद मुफ्ती, चिमटा मुतारिफ करवाने वाले पंजाबी गुलूकार आलम लोहार, आरिफ लोहार, औरिया मकबूल जान,
निशो बेगम, सबीहा खानम, अनायत हुसैन भट्टी, तसव्वुर खानम, एजाज दुरानी, शगुफ्ता एजाज, मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह, उनका ताल्लुक भी गुजरात से ही है। गुजरात के लिए सबसे बड़ा तुर्रा इम्तियाज ये है कि ये पाकिस्तान का वाहिद जिला है जिसे कुल 11 निशाने हैदर एजाजात में से 3 निशाने हैदर हासिल हुए। ये 3 निशाने हैदर पाने वाले बहादुर जवानों में सरे फहरिस्त हैं मेजर अजीज भट्टी शहीद, जो कि 16th पंजाब रेजिमेंट से थे। आपकी शहादत 1965 की पाक भारत जंग में लाहौर के करीब हुई। आप गुजरात के देही इलाका लादियाँ से ताल्लुक रखते थे। दूसरे नंबर पर जिक्र आता है मेजर शब्बीर शरीफ शहीद का, जिन्हें 3 दिसंबर 1971 को सुलेमान की हेडवर्क्स पर पाकिस्तानी फौज के लिए उनकी बेलौस खिदमात के एतराफ में पाकिस्तान के आला तरीन फौजी एजाज निशाने हैदर से नवाजा गया। तीसरे नंबर पर जिक्र आता है मेजर मोहम्मद अकरम शहीद का, जो कि 8th पंजाब रेजिमेंट से थे और आपकी शहादत 1971 की पाक इंडिया जंग में जिला उकाड़ा के करीब हुई। नाज़रीन, मैं इस वक्त गुजरात के एक इलाका लादियाँ में मौजूद हूँ और ये जो तारीखी घर आपको नज़र आ रहा है ये मेजर अजीज़ भट्टी शहीद का घर है। आप 1928 को हांगकांग में पैदा हुए और वहीं से इब्तदाई तालीम हासिल की, लेकिन जब दूसरी जंगे अजीम की शुरुआत हुई तो आप अपने ख़ानदान के साथ हिजरत करके पाकिस्तान आए और इसी इलाका लादियाँ में रिहाइश पज़ीर हुए। आपने फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की और फिर वक्त का पहिया चलते चलते 1965 का वो वक्त आन पहुंचा जब 11 सितंबर वाले दिन आपने अपने वतन की हिफाजत करते हुए दुश्मन का डट कर मुकाबला किया और जामे शहादत नोश फरमाया। यही वो सहन है जिसमें आपका जनाजा रखा गया और आपकी वालिदा मुहतरमा का कहना था कि आपके जिस्म से उस वक्त ताज़ा और गर्म खून बह रहा था। आइए आपको इस घर के अंदर के कुछ मनाजिर दिखाते हैं। सरज़े पाक से मोहब्बत तो सभी करते हैं, लेकिन इश्क की मंजिल किसी किसी को नसीब होती है। फिर वही आशिक अपने खून के खराज से इस धरती का कर्ज उतारा करते हैं और अपने कौम की हयात का बायस बनते हैं। आज मैं एक ऐसे मुहिब्बे वतन को खराज तहसीन पेश करने आई हूँ जिन्होंने 1965 की पाक भारत जंग में सिर्फ और सिर्फ 150 जवानों के साथ मिल के सैकड़ों दुश्मनों का इस जवान मर्दी के साथ मुकाबला किया कि उन्हें मुंह की खाना पड़ी। 1965 की वो रात जब दुश्मन लाहौर के रास्ते पाकिस्तान पर हमला करने का सोच रहा था और दाखिल होने का प्लान किया कि यहाँ पर आके नाश्ता करेंगे, लेकिन उनकी ये उमंग धरी की धरी रह गई जब उन्हें मुंह की खाना पड़ी। और ये और कोई नहीं, हमारे मेजर अजीज़ भट्टी शहीद थे। उनकी खिदमात के एवज़ उन्हें निशाने हैदर से नवाजा गया और वो यहाँ लादिया में अपनी आखिरी आरामगाह में आराम फरमा रहे हैं। मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है, जाओ बख्श दिया मेरा सीना
का है संगीन हिस्सा, मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जाहो निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाए तन, ए वतन प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, प्यारे वतन।